कामकाजी मुनाफा इबेटा एक हजार अस्सी करोड़ का सवा छह परसेंट के आसपास के मार्जिन इसके हैं और मुनाफा है पांच सौ बहत्तर करोड़ का ये नौ महीने के आंकड़े इन नौ महीने के आंकड़ों को अगर आप बारह महीने के आंकड़ों में आप तब्दील करें अंदाज से चौबीस हजार तेईस हजार करोड़ के आसपास की सेल्स होनी चाहिए साढ़े चौदह सौ करोड़ के आसपास का इबिटा होगा और सात सौ पचास सात सौ पचहत्तर करोड़ के आसपास का ब्रॉडली मुनाफा हो सकता है ये रुचि को है सोया का भी कारोबार है और उसका वेल्यूशन करीबन बत्तीस तैंतीस हजार करोड़ के आसपास का आज का जो भी बढ़ेगा वो अलग बात है बत्तीस हजार करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है यानी कि आपका जो मुनाफा है कामकाजी मुनाफा पंद्रह सौ करोड़ बीस टाइम के आसपास ट्रेड कर रहा है इबिटा पे अब आप देखिए जो पतंजलि का फूड कारोबार है जो इनके साथ सिनर्जी की बात बेसिकली मर्जरी हो गया एक तरह से एक तरह से फूड कारोबार रुचि सोया में शिफ्ट हो हाँ। जाएगा वो 100 परसेंट ऑन बाई प्रोमोटर है ये अब 80 परसेंट ऑन बाई प्रोमोटर है 20 परसेंट अब पब्लिक के पास हो गया सो अब इंटरेस्टिंग चीज है कि वो वैल्यूशन क्या आता है क्योंकि एफ बिजनेस को वेल्यूशन जबरदस्त मिलते हैं आज एफ बिजनेस चालीस से पचास टाइम ईबीटा पर ट्रेड करते हैं ठीक है सो अब अगर वो इनके पास दो तरीके हैं तीन तरीके रातर या तो जो मार्केट में चालीस पचास टाइम का वेल्यूशन मिलता है उस पर उस बिजनेस को शिफ्ट करें या रुचि सोया जिस इबिटा पर ट्रेड करा है बीस टाइम पर उस पर करें या उससे बेहद सस्ता करें सो अल्टीमेटली की जो है वो वेल्यूशन है ये एक तर, बात हो गई और आई एम श्योर की जो वेल्यूशन पर वो शिफ्ट करेंगे वो अट्रेक्टिव होगा शेयर होल्डर के लिए पहली चीज दूसरी चीज जो भी वैल्यूशन हो लेकिन क्या रुचि सोया के लिए यह बिजनेस पतंजलि का फूड बिजनेस आना फायदेमंद है उसका जवाब है हाँ। क्योंकि यह पोर्टफोलियो को बड़ा करेगा और इसको एक एफएमसीजी कंपनी की तरफ ट्रीट करेगा करेक्ट करेक्ट तो री रेटिंग रे इसकी रे वजह से होगी तो मेरा यह समझना है जिन लोगों ने एफपीओ में हमारे बोलने पर पैसा लगाया है वो अभी भी होल्ड कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये डेवलपमेंट जो आए ये एफपीओ के बाद ये बड़े डेवलपमेंट है पहली चीज दूसरी चीज शॉर्ट टर्म टारगेट बारह रुपए के हमारे इंटेक्ट है और एक बार पूरा स्ट्रक्चर देख लें समझ लें कि किस वैल्यूशन पे ये बिजनेस शिफ्ट हो रहा है अगर इसके वैल्यूशन आकर्षक हैं जो कि होने चाहिए तो फिर स्टॉक के लिए लॉन्ग टर्म टारगेट आपको पन्द्रह सौ रुपए के आसपास चौदह सौ रुपए के आसपास के भी रख सकते हैं लेकिन वो वैल्यूशन देखने के बाद मैं रिवाइज करूंगा फिलहाल फिलहाल हमारा जो बारह सौ रुपए का टारगेट है वो इंटेक्टर वो होल्ड करना चाहिए बारह सौ होल्ड बिल्कुल हंड्रेड परसेंट होल्ड करना चाहिए क्योंकि ये बिजनेस अपने आप में ही शिफ्ट होना बड़ी बात है तो ये एक चीज है आइए एक बार जरा चार्ज पर भी इससे राय लें इस पर राय ली जाए जिस तरह से स्टॉक में एक्शन होता हुआ दिख रहा है जरा एक बार जय रुचि के चार्ट देखिए अपनी राय दीजिए जी डेफिनेटली अनिल जी अनिल जी देखिए इसमें रिकवरी uh, तो हमें बहुत ही अच्छी देखने मिली है लोअर uh, लेवल से कुछ uh, दिनों तक हमें सेलिंग देखने मिली थी बताओ प्रीवियस क्लोज थे अनिल जी you know, लगभग सात सौ सवा सात सौ के आसपास वहीं से रिवर्सल देखने मिला है इंपॉर्टेंटली मैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करूं uh, तो ये स्टॉक ने एक अच्छा क्लोज दिया है अबाउट द लेवल ऑफ एट नाइनटी सो आई थिंक दैट के यहां से ऊपर का एक रूम बनता है लगभग एक हजार uh, एक हजार बीस का इमीडिएट बेसिस पर अनिल जी अगर 1020 तक के लेवल्स निकलते हैं तो हमें ये स्टॉक 1200 या तो उसके पार भी जाते हुए देखने मिलेगा बट देन टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव पिछले कुछ दिनों का जो हमें एक्शन देखने मिला है लोअर लेवल से बाई इंटरेस्ट देखने मिला है जो हिसाब से लास्ट क्लोज देखने मिला है नौ के ऊपर दीज ऑल फैक्टर्स क्लियर इंडिकेटर्स के एक हजार बीस पचास एंड ग्यारह सौ के पार निकल सकता है ओके okay, तो ये है आपके लिए इस समय रुचि सोया पर रहा है और बाय द वे अनिल जी ज्यादा समय तक इसका नाम रुचि सोया नहीं रहेगा क्योंकि अभी अभी डिस्क्लोजर भी आ रहा है इसका नाम बदलकर पतंजलि फूड्स किया जा रहा है तो एक तरह से जो यही बात आप कह रहे थे कि मर्जरी होने वाला लग रहा है जो आ, अगर नाम ही पतंजलि फूड होने वाले मर्जरी मर्जरी बिल्कुल मर्जर है तो फिर मर्जर है तो फिर अनडाउली पूरी तरह से रुचि सोया की रेटिंग हो जाएगी क्योंकि एक वो खाने पीने के तेल वाली ट्रेडिंग कंपनी से बदलकर अब ये आपके लिए एक तरह से एफएमसीजी बिजनेस वाली कंपनी हो जाएगी और फूड बिजनेस आ जाना मतलब फिर ये क्लियर कट है आप कंपेयर करेंगे आ, सारी दिग्गज एफएमसीजी कंपनियों के साथ चाहे फिर वो आप लीवर देख लें डाबर देख लें मैरिको देख लें या फिर आप आईटीसी देख लें उनके साथ आप कंपेयर करने की कोशिश करेंगे और साइज भी हो जाएगी दीप पच्चीस करोड़ के आसपास की रेवेन्यू अगर पतंजलि की रुचि सोया की है और जो भी हो दस बारह हजार आई डोंट नो पांच हजार करोड़ जो, जो भी हो इसका फूड बिजनेस का रेवेन्यू जो भी हो तो दोनों मिलकर आपके लिए और जो फूड बिजनेस शिफ्ट होगा वो हाई मार्जिन बिजनेस होगा फूड बिजनेस थोड़ा हाई मार्जिन बिजनेस है, है, है ट्रेडिंग बिजनेस में नेचुरली आपके लिए मार्जिन कम होते हैं तो इंटरेस्टिंग होगा देखते हैं मैनेजमेंट से अगर बात होगी तो हम जानने की कोशिश करेंगे किन वेल्यूशंस पर यह बिजनेस शिफ्ट कर रहा है अल्टीमेटली वो की है लेकिन जिस तरह से एफ आते कंपनी को उन्होंने कर्ज मुक्त किया है और जिस तरह से साढ़े छह सौ रुपए में अट्रैक्टिव प्राइस करके ये आप मान के चल सकते हैं कि ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से वो इन्वेस्टर फ्रेंडली रखेंगे ये मान के, जी चल, जी के, चल, के चल सकते ये मानकर चल सकते हैं तो ये अच्छा एक